आज मैं आपको ड्रैगन के वर्ष की एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है डेब्रेकर्स। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक छोटी लड़की एक पत्र लिखती है जिसमें वह बताती है कि वह कभी नहीं बदलेगी या बड़ी नहीं होगी, जिसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सूर्योदय देखने के लिए घर से निकलती है और जब वह ऊपर देखती है तो हम उसकी पीली आंखें देखते हैं। वह एक पिशाच है। जैसे ही सूरज उगता है उसका पूरा शरीर जलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दिन के समय दुनिया खाली है। हम देखते हैं कि पिशाच अपने सामान्य जीवन में वैसे ही रहते हैं जैसे मनुष्य करते थे, बाहर घूमते हैं या काम पर जाते हैं। यहां तक कि एक होबो पिशाच भी है जो एक यादृच्छिक नागरिक को धमकी देते हुए खून की भीख मांगता है। पुलिस उसे इसके लिए बिजली से मार देती है। इस बीच आर और फिर काम के लिए मेट्रो में हमारे नायक एडवर्ड डाल्टन हैं। वह ब्रॉम्सली मार्क्स एक दवा कंपनी और महत्वपूर्ण रक्त आपूर्तिकर्ता के लिए एक हेमाटोलॉजिस्ट के रूप में काम करता है। इमारत के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद एडवर्ड उन कमरों से गुजरता है जिनमें मशीनें हैं जो मनुष्यों को पालती हैं, जिनसे वह नफरत करता है। अपनी प्रयोगशाला में जाने से पहले वह रक्त का विकल्प खोजने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका नवीनतम प्रयास भी विफल हो जाता है। इसके बाद उसकी अपने बॉस चार्ल्स ब्रोमली, उसके प्रयोगशाला साथी क्रिस्टोफर कारुसो, एक आयुक्त और एक सेना अधिकारी के साथ बैठक होती है। आयुक्त उन्हें मृत्युदंड की सजा पाए कैदी पर किए गए प्रयोग के परिणामों के बारे में बताता है। उसे रक्त की कमी के प्रभावों पर एक अध्ययन के लिए चुना गया था। रक्त की कमी के कारण मस्तिष्क के ललाट लोब का पूर्ण क्षरण हुआ। इसके पहले लक्षण उसके कान लंबे होते जा रहे थे। वह जल्दी ही नोस्फेरातु जैसे प्राणी में बदल गया जिसमें कोई तर्क या भावना नहीं थी। वे इन प्राणियों को सब्सिडस कहते हैं और वे सड़कों पर एक समस्या बन रहे हैं। मानव आबादी का केवल 5% ही बचा है और अगर उन्हें जल्द ही कोई विकल्प नहीं मिला तो वे सभी सब्सिडर बन जाएंगे। ब्रॉमली बीच में आकर एडवर्ड को एक निजी मीटिंग के लिए अपने दफ्तर ले जाता है। मीटिंग जहां एडवर्ड ने उसे परोसी गई खून वाली कॉफी को अनदेखा कर दिया जबकि ब्रॉमली ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसे कैंसर हुआ करता था लेकिन पिशाचवाद ने उसे ठीक कर दिया। हालांकि उसकी बेटी ने मना कर दिया और वह भाग गई। वह जानता है कि एडवर्ड को इंसानों पर दया आती है और उसे भी, इसलिए उन्हें मानव जाति को बचाने के लिए जल्द से जल्द परीक्षण शुरू करने की आवश्यकता है। एडवर्ड अपनी प्रयोगशाला में जाता है और क्रिस्टोफर से इस बारे में चर्चा करता है जो कुछ हिचकिचाहट के बाद बताता है कि विकल्प बंदर पर काम कर रहा है इसलिए जानवरों पर परीक्षण से आगे बढ़ने का समय आ गया है। कुछ क्षण बाद शोधकर्ता परीक्षण शुरू करते हैं जबकि ब्रोमली और कुछ अधिकारी खिड़की से देखते हैं। एडवर्ड धीरे धीरे विकल्प को एक निजी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करता है जो पहले तो ठीक महसूस करता है लेकिन एक बार जब पूरी खुराक अंदर जाती है तो उसे उल्टी होती है और ऐंठन होने लगती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर भयानक छाले दिखाई देते हैं। शोधकर्ता तुरंत उसे पकड़कर नीचे ले जाते हैं और उसे एपिमनी का इंजेक्शन लगाते हैं जो उसके हिलने को रोकता है और छाले गायब हो जाते हैं लेकिन एक सेकंड बाद उसका पूरा शरीर फट जाता है। उस रात बाद में एडवर्ड कार्यालय से निकल जाता है और घर चला जाता है। वह अपने कान को खुजलाते हुए कुछ गड़बड़ देखता है। वह अपने कैमरे का शीशा खोलता है और जांचता है। उसके कान लंबे होने लगते हैं। इस विकर्षण के कारण वह विपरीत दिशा से आती हुई कार को नहीं देख पाता। वह आखिरी सेकंड में चकमा देकर अपनी गाड़ी रोक लेता है लेकिन दूसरी कार एक बाढ़ से टकरा जाती है। एडवर्ड मदद करने के लिए बाहर आता है और हाथ में तीर ले लेता है। दूसरी कार से निकलने वाले लोग इंसान हैं और उनकी नेता ऑन्ड्रे बेनेट के पास पिशाचों से खुद को बचाने के लिए एक क्रॉसबो है। अचानक पुलिस की गाड़ियों को उनके पास आते हुए सुना जा सकता है इसलिए एडवर्ड कसम खाता है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है और इंसानों से अपनी कार में बैठने के लिए कहता है जिसे वे कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार करते हैं। एडवर्ड कार के डेटाइम प्रोटेक्शन ड्राइविंग मोड को सक्रिय करता है जो सभी खिड़कियों को काला कर देता है। फिर पुलिस के आने पर अपने हाथ से तीर निकालता है जब वह उनसे झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि इंसान किस दिशा में भागे हैं। ऑन्ड्रे को एडवर्ड का आईडी बैज मिल जाता है और वह उसका व्यवसाय जान जाती है। पुलिस के चले जाने के बाद इंसान कार से बाहर निकलते हैं और ऑन्ड्रे एडवर्ड को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है क्योंकि वे सभी निकल जाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद एडवर्ड घर पर पहुंचता है जहां सामुदायिक घोषणा के माध्यम से सभी को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी जा रही है। एक बार जब वह अपने घर पहुंच जाता है तो वह खाना खाता है और अपने पौधों की देखभाल करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसके भाई फ्रैंकी डाल्टन से मिलने आता है जिसे उसने महीनों से नहीं देखा था क्योंकि वह सेना में शामिल हो गया था। फ्रैंकी जन्मदिन की पार्टी न होने पर टिप्पणी करता है जिस पर एडवर्ड जवाब देता है कि वह 10 बार 35 साल का हो चुका है लेकिन फ्रैंकी को इसकी परवाह नहीं है। उसे लगता है कि उन्हें जश्न मनाना चाहिए और इसके लिए वह 100% शुद्ध मानव रक्त की एक महंगी बोतल लाया है। वह अपने भाई को सुअर का खून पीने के लिए चढ़ाते हुए 2 गिलास डालता है लेकिन एडवर्ड उसे मना कर देता है। इससे फ्रैंकी को गुस्सा आता है जो उनके बीच पुरानी बहस शुरू कर देता है। एडवर्ड मानव रक्त को छूता नहीं है लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों को पालती है जिसे वह एक विकल्प खोजने में सक्षम होने के लिए एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है। फिर भी वह सेना के लिए मनुष्यों का शिकार करने के लिए फ्रैंकी को नीचा देखता है। एडवर्ड अचानक खून की बोतल पकड़ लेता है और उसे नाली में डालना शुरू कर देता है लेकिन फ्रैंकी उसे उससे ले लेता है और छोड़ने की कोशिश करने से पहले उसे दीवार पर पटक देता है। हालांकि वह नहीं जा सकता क्योंकि एक सब्सिडर उसके रास्ते में आ जाता है। वह जीव रसोई में घुस जाता है और दीवारों से खून छाटना शुरू कर देता है फिर मेज पर रखे गिलास पर चला जाता है। फ्रैंकी होल्डर से चाकू पकड़ लेता है। कंधे पर चोट लगने से सबसाइडर चौंक जाता है और दीवार की ओर धकेल देता है। वह कांच की मेज पर गिर जाता है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। सबसाइडर आगे एडवर्ड की ओर बढ़ता है और वह अपने भाई का नाम पुकारते हुए उसे स्टूल से दूर रखता है। फ्रैंकी जाग जाती है और चाकू निकाल लेती है। साथ में भाई सबसाइडर पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह छत से लटकने के लिए दूर कूद जाता है। इससे फ्रैंकी को उसका सिर काटने से पहले उस पर कुछ बार वार करने का मौका मिलता है।
कुछ क्षण बाद पुलिस मामले को संभालने के लिए आती है। इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए कि सबसाइडर अब उपनगरों में है, हमेशा रोशनी में कदम न रखने के लिए सावधान रहते हुए वह एक बूढ़े आदमी लियोनेल एल्विस कॉर्मैक के पास जाता है। यह आदमी एक पिशाच हुआ करता था, फिर भी वह अब इंसान है। एडवर्ड जानना चाहता है कि कैसे, लेकिन ऑंड्रे के पास आने से उनकी बात बाधित हो जाती है, जिसे फ्रैंकी ने बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। एडवर्ड उसे रोकना चाहता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकी उसकी बात नहीं सुनता। सेना का एक बैकअप पहले से ही आ रहा है। ऑंड्रे फ्रैंकी को धूप में धकेलती है और पुरुषों के साथ मिल जाती है। वे एडवर्ड की कार लेते हैं क्योंकि सैनिकों ने पहले ही गोलीबारी शुरू कर दी है और लियोनेल के वाहन को नष्ट कर दिया है। जब वे भागते हैं तो उनका पीछा किया जाता है और उन पर गोली चलाई जाती है, जिससे कार की अंधेरी सुरक्षा में छेद हो जाते हैं। पहले तो ऑंड्रे उन्हें अपने हाथों से ढकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कैमरा भी शूट हो जाता है, इसलिए एडवर्ड आगे नहीं देख पाता। लियोनेल गाड़ी चलाता है ताकि वह एक छेद से सड़क देख सके और एडवर्ड रोशनी से छिप सके। जब वे एक गंदे पुल पर पहुंचते हैं तो लियोनेल उसे सुरक्षित रूप से पार करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन सैन्य ट्रक बहुत भारी होता है और पुल उसके नीचे टूट जाता है, जिससे ट्रक में विस्फोट हो जाता है। बाकी बैकअप पीछे रह जाता है और उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं होता। रात होने के बाद वे एक नदी के किनारे पार्क करते हैं और लियोनेल एडवर्ड को अपनी कहानी बताता है। वह दिन के उजाले में कारों के लिए संशोधन का काम करता था और शहर में कारों को बनाने वाली पहली दुकानों में से एक उसकी थी। दिन के उजाले में गाड़ी चलाना आश्चर्यजनक है क्योंकि आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता, लेकिन यह ड्राइवर के लिए खतरनाक भी हो सकता है। लियोनेल के साथ भी यही हुआ। वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। उसने गलती से कार को नदी की बाढ़ से टकरा दिया। दुर्घटना ने उसे कार से बाहर फेंक दिया और नदी में गिरने से पहले वह आग में जल गया। जब वह नदी से बाहर आया तो वह फिर से इंसान बन गया। लियोनेल और ऑंड्रे चाहते हैं कि एडवर्ड इन परिस्थितियों को सुरक्षित रूप से फिर से बनाए। कंपनी में वापस ब्रॉमली अपनी बेटी की कुछ तस्वीरों को देख रहा है जब फ्रैंकी उससे मिलने आता है। ब्रॉमली ने उसे जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट करने के लिए बधाई दी और उसे बताया कि अगर एडवर्ड तुरंत वापस आ जाता है तो कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। फ्रैंकी ब्रॉमली द्वारा कही गई हर बात को करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच एडवर्ड और इंसान अपनी कार में वापस आ गए हैं, अपने सुरक्षित घर की ओर जा रहे हैं। एडवर्ड ऑंड्रे की गर्दन को घूरना बंद नहीं कर सकता। जब वह यह और उसके नुकीले कानों को देखती है तो वह अपना हाथ काट लेती है और उसे पीने के लिए एक कप में थोड़ा खून डालती है। वह पहले तो मना कर देता है, लेकिन ऑंड्रे को यह जानने की जरूरत है कि उसके आसपास अन्य इंसान सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वह कप स्वीकार करता है और उसे पीता है। कुछ घंटों बाद वे एक बहुत पुराने अंगूर के बाग में पहुंचते हैं, जहां एडवर्ड की मुलाकात दूसरे इंसानों से होती है, जिसमें जार्विस भी शामिल है, जो और इंसानों को खोजने के लिए बचाव दल के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। घर में प्रवेश करने के बाद उसकी मुलाकात सीनेटर वेस टर्नर से भी होती है, जो एक पिशाच राजनीतिज्ञ है। मानव अधिकारों की रक्षा और इलाज खोजने के पक्ष में ब्रॉमली को संक्षेप में दिखाने के बाद, जिसमें देखा गया कि कैसे उसकी एक मशीन से सभी लोग मर गए हैं और उसके शोधकर्ता एक शव को निकाल रहे हैं, हमें सबवे स्टेशन पर एक कॉफी स्टैंड दिखाया गया है, जहां एक आदमी शिकायत करता है कि उसकी कॉफी में पर्याप्त रक्त नहीं है। कर्मचारी उसे बताता है कि 5% ही वह सर्व कर सकती है, लेकिन वह आदमी नहीं कहने को तैयार नहीं होता। वह खून की थैली चुरा लेता है और उसे तोड़ते समय वह अपने आसपास के सभी लोगों पर खून छिड़क देता है, जिससे वे पागल हो जाते हैं। लोग दंगा करते हैं और अधिक रक्त चुराने के लिए कॉफी स्टैंड पर हमला करते हैं, जिससे पुलिस उन्हें बिजली का झटका देकर काबू में करने के लिए आती है। अगली सुबह वाइनयार्ड में एडवर्ड कुछ परीक्षण करने के लिए लियोनेल से कुछ रक्त लेता है, जबकि वह कुछ सवाल पूछता है कि जब वह मानव बना तो उसे कैसा लगा। एडवर्ड सोचता है कि शायद रक्त का उपचार करने का एकमात्र तरीका शरीर के अंदर है दिन के उजाले में जलने को नियंत्रित करना। कुछ घंटों बाद जब वह आराम करने के लिए प्रयोगशाला से बाहर निकलता है तो अधिकांश मनुष्य उससे दूर चले जाते हैं। ऑंड्रे उसे बताने के लिए आती है कि वे उससे डर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वह मदद कर सकता है। एडवर्ड कबूल करता है कि वह बदलना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रैंकी ने उसे धोखा दिया और उसे वैसे भी बदल दिया। एडवर्ड ने किण्वन टैंकों को देखा और ऑंड्रे द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि वे वायुरोधी हैं, वे उन्हें अंदर से देखने गए। टैंकों में हवा निकालने वाले उपकरण हैं जो उन्हें आग बुझाने में सक्षम करेंगे, और एडवर्ड ने प्रयोग के लिए उनका उपयोग करने का फैसला किया, इसलिए वे आवश्यक संशोधनों पर काम करना शुरू कर देते हैं। बाद में आधी रात को हम जार्विस के समूह को सड़क पर बचाए गए मनुष्यों के काफिले को वाइनयार्ड में ले जाते हुए देखते हैं, जिसमें ब्रॉमली की बेटी एलिसन भी शामिल है। जब एक गोली से उनका टायर पंचर हो जाता है तो उन्हें अपनी कारों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे अपने हथियारों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन सेना उन्हें घेर लेती है और एक छोटी सी गोलीबारी के बाद सभी मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। एलिसन बेहोश होने से पहले वाइनयार्ड से संपर्क करने में सफल हो जाती है, इसलिए जब फ्रैंकी उसके हाथों से वॉकी टॉकी लेती है तो वे कॉल को ट्रैक करने और वाइनयार्ड का स्थान खोजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वाइनयार्ड में सभी मनुष्य अपनी चीजें उठाते हैं और अपनी कारों में सवार होते हैं। ट्यूनर का उसके सुरक्षित घर तक पीछा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एडवर्ड यहीं रहना चाहता है क्योंकि ब्रॉमली में जो हुआ उसे दोबारा बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ब्रॉमली में एलिसन अपने पिता के कार्यालय में जागती है और एक चाकू पकड़ लेती है। जब वह उससे मिलने आता है तो वह चाकू से हमला करता है। एलिसन अपने दोस्त की जान की भीख मांगती है, लेकिन ब्रॉमली कहता है कि वह उसे देखकर खुश है, लेकिन जब वह उसे गले लगाता है तो वह स्वीकार करता है कि वह उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता। एलिसन उसे दूर धकेलती है और दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन एक सैनिक द्वारा उसे धक्का दे दिया जाता है क्योंकि ब्रॉमली को पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार दिया है। जब सुबह अंगूर के बाग में आती है तो प्रयोग शुरू होने के लिए तैयार होता है। ऑंड्रे मॉनिटर को देखेगी जबकि लियोनेल एडवर्ड के साथ टैंक में रहेगा, जिसके सीने से हृदय मॉनिटर जुड़ा हुआ है और वह गीले कंबल से ढका हुआ है। प्रक्रिया सरल है। वे एडवर्ड को जलाने के लिए सूरज की रोशनी में टैंक में एक छेद खोलते हैं, फिर वे आग को बंद करने के लिए एयर एक्सट्रैक्टर का उपयोग करते हैं।
पहले दो प्रयास विफल होते हैं, लेकिन वे एडवर्ड को तीसरे तक काफी देर तक जलने देते हैं, और इस बार यह काम करता है। एडवर्ड फिर से इंसान बनने में कामयाब हो जाता है। उनकी खुशी उस जगह पर छापा मारने के लिए सेना के आने से बाधित होती है, लेकिन वे शराब के बैरल में छिपकर पकड़े जाने से बच जाते हैं। हम फिर से कंपनी में जाते हैं, जब फ्रैंकी ब्रोमली से मिलने जाती है, जिसका घाव ठीक हो रहा है। ब्रोमली फ्रैंकी से उसके लिए कुछ मांगता है, और फ्रैंकी कमरे से बाहर निकलकर एलिसन को उसके सेल में देखने जाती है। वह अभी भी मुड़ना नहीं चाहती। फ्रैंकी आगे बढ़ता है और फिर भी उसे काटता है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि उसके पास एक इलाज है जो विकल्प से बेहतर है, और प्रयोग को फिर से बनाने के लिए उसकी मदद मांगता है। उनकी बातचीत फोन की घंटी बजने से बाधित होती है, इसलिए क्रिस्टोफर कॉल लेने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। जब वह वापस आने में बहुत देर करता है तो उन्हें संदेह होता है, इसलिए ऑंड्रे उसे ढूंढने जाती है, जबकि एडवर्ड और लियोनेल उसका कोड जांचते हैं। पता चलता है कि क्रिस्टोफर ने इस पूरे समय कॉल पर अपना सेल फोन खुला छोड़ दिया था, और अब कंपनी में हर कोई जानता है कि वे कहां हैं। सेना अचानक आती है और ऑंड्रे बेहोश हो जाती है और पकड़ी जाती है, लेकिन लियोनेल और एडवर्ड सबॉक्स सुरंगों का उपयोग करके भागने में सफल हो जाते हैं। वे एक पुराने परित्यक्त गैरेज में छिपने का फैसला करते हैं, जहां उन पर एक सबसाइडर द्वारा हमला किया जाता है। तभी फ्रैंकी आता है और अपने भाई को इंसान बनते देखने से पहले उस जीव को गोली मार देता है, जिससे वह कबूल करता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वह उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वह स्वीकार करता है कि उसने गलती की है और अब वह मदद करना चाहता है, लेकिन जब लियोनेल उसके करीब आता है तो उसकी प्यास उस पर हावी हो जाती है और वह उस इंसान पर कूदकर उसे काट लेता है। एडवर्ड उसे पकड़ लेता है और लियोनेल से दूर धकेल देता है। वह अपने भाई को गोली मारने के लिए तैयार है, लेकिन जब उसे कुछ नजर आता है तो वह खुद को रोक लेता है। कुछ ही क्षणों बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड स्वेच्छा से कंपनी की इमारत में घुस जाता है और अपनी मानवीय स्थिति के कारण अलार्म बजाता है। सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं और उसे ब्रोमली के कार्यालय में ले जाते हैं, जहां ऑंड्रे को खून से लथपथ कुर्सी पर लिटाकर उसका खून पी रहे हैं। एडवर्ड उसे बताता है कि उसे सब कुछ पछतावा है और वह फिर से पिशाच बनना चाहता है। अपने विश्वासघात से ऑंड्रे को परेशान कर रहा है। ब्रोमली उसे दिखाता है कि उन्हें आखिरकार एक विकल्प मिल गया है, इसलिए उसे अब एडवर्ड की जरूरत नहीं है, और वह उसे कायर कहता है। एडवर्ड कहता है कि ब्रोमली भी कायर है क्योंकि वह अपनी बेटी को नहीं बदल सका। क्रोधित होकर ब्रोमली एडवर्ड को काटता है, लेकिन एडवर्ड को कोई आपत्ति नहीं होती। वास्तव में यह उसकी शुरू से ही योजना थी। ब्रोमली एक इंसान में बदलना शुरू कर देता है, और जब एडवर्ड को याद आता है कि कैसे फ्रैंकी भी बदल गई थी, तो वह समझाता है कि उपचारित पिशाच का खून पीना इलाज है। ब्रोमली सुरक्षा के लिए कॉल करने के लिए अलार्म बजाता है, और हम पार्किंग स्थल पर सेना के ट्रकों के झुंड को आते हुए देखते हैं। जब सैनिक अपने वाहनों को छोड़कर लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो दरवाजे खुलते हैं और ब्रोमली को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं, जिससे पिशाच पागल हो जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। इस बीच ऑम्ब्रे और एडवर्ड, जो अब हथियारों से लैस हैं, नीचे की ओर जाते हैं और इमारत से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी और सैनिक उनका रास्ता रोकने के लिए आ जाते हैं। जब फ्रैंकी लियोनेल की कार को अंदर ले जाता है तो कांच के दरवाजे अचानक टूट जाते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए सभी सैनिक, लेकिन तुरंत ही बैकअप आ जाता है और अब वे चारों ओर से घिर चुके हैं। फ्रैंकी एडवर्ड को खुद को बलिदान करने से पहले जाने के लिए कहता है, जिससे सभी सैनिक उस पर कूदकर उसे खा जाते हैं। एडवर्ड के पास अपनी मौत का शोक मनाने का समय नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा गार्ड ने ऑंड्रे को ले लिया है और उसे बचाना होगा। वह उनका पीछा करते हुए एक सुरक्षा कक्ष में जाता है, जहां कुछ संघर्ष के बाद एडवर्ड दो पिशाच गार्डों को मारने में सफल हो जाता है और ऑंड्रे को तीसरे को मारने में मदद करता है। फिर वे सुरक्षा कैमरों पर देखते हैं कि कैसे फ्रैंकी को खाने वाले सैनिक मानव बन गए और अन्य पिशाच सैनिक अब उन पर भी हमला कर रहे हैं। खाने के कारण नरसंहार होता है, और जब तक एडवर्ड और ऑंड्रे लॉबी में वापस आते हैं, तब तक केवल मुट्ठी भर मानव सैनिक ही बचे होते हैं। क्रिस्टोफर आता है और फिर कुछ सैनिकों को गोली मारता है, ये दावा करते हुए कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वह उन्हें भी गोली मारने वाला होता है, जब एक तीर उसकी छाती पर लगता है और उसे मार देता है। ये लियोनेल से आया था, जो मदद करने के लिए आया था। ऑंड्रे उसे गले लगाती है, जबकि एडवर्ड अपने भाई के शरीर को देखता है और उगते सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंदर आती है। फिल्म का अंत तीनों के लियोनेल की कार में चले जाने से होता है, जबकि एडवर्ड हमें बताता है कि अब उनके पास इलाज है और वे सभी को वापस बदल सकते हैं।